कल तक के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम आईडी और क्लास कैसे यूज़ करेंगे, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम इसको देखेंगे कि किस कहाँ कहाँ और किस किस स्पेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज उसके बाद हम जाएंगे कि हम इसके बाद इसमें आता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें तो हमने कवर की थी। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है CSS टेबल्स। ठीक है, अब CSS टेबल्स टेबल्स तो हमने HTML में भी पढ़ा था, लेकिन इसमें उसके कुछ डिफरेंट मतलब फंक्शनैलिटीज होंगे, मतलब वो हमने HTML में सब कुछ अप्लाई किया था, इसमें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो चलते हैं आज के प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर हम बना देंगे एक टेक्स्ट फाइल। सो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना देंगे, इसको हम कह देंगे कि टेबल, ठीक है, .html। इसको मैंने यहाँ से साफ ये बना दिया है, इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर दूंगा। यहाँ पर मैं कह दूंगा HT कंट्रोल स्पेस कैंसिल, HT कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर मैं कह दूंगा टेबल्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस बॉडी में आके मैं कह दूंगा टेबल का एक हेडिंग दे दूंगा। टेबल मैंने कर दिया, टेबल में हमारे पास टेबल रो होता है, टेबल रो के अंदर हमारे पास टेबल हेडिंग होता है, में हम कह देंगे कि नेम। ठीक है, टेबल हेडिंग के बाद इसके बाद हम कह देंगे, इसके बाद हम कह देंगे फादर नेम, इसके बाद हम कह देंगे फादर नेम। ठीक है, उसके बाद हम कह देंगे कि उसके बाद हम कह देंगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इसके बाद हम कह देंगे कि CNIC नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर के बाद हम ईमेल कह देंगे, CNIC नंबर कह देंगे, नो इशू, CNIC नंबर हमने कह दिया है। ठीक है, इसके बाद हम कह देंगे कि ईमेल। ठीक है, ये हमारे पास इसके हेडिंग्स हो गए। ठीक है, कंट्रोल सेफ मैंने कर दिया। इसके बाद हम आके यहाँ पर एक दूसरा रो शुरू कर देंगे, उसमें कह देंगे टेबल डेटा हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसके बाद इसमें कर लूँगा ये चलो ये इसमें मैं कह दूंगा कि लेट सपोज मैंने अपना नाम दे दिया हमज़ा। टेबल डेटा में मैं कह दूंगा फादर नेम, ये मैंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया है कि टेबल हेडिंग, टेबल सॉरी टेबल डेटा ही, तो टेबल डेटा हो गया। टेबल डेटा में मैं कह दूंगा कि थर्ड नंबर हमारे पास मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 03068504941। ठीक है, इसके बाद मैं इसको दे दूंगा कि टेबल डेटा, टेबल डेटा में से CNIC नंबर में डमी सा भी दे दूंगा, ये मैं खैर डमी सा दे दूंगा, तो कोई इशू नहीं होता इसमें। ठीक है, ये मैंने डमी सा दे दिया है। इसके बाद हम कर देंगे कि ईमेल, ईमेल में अपना दे दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास मतलब एक स्टूडेंट का डेटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास तो एक स्टूडेंट है, टेबल तो हम तब बनाते हैं जब हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल सेफ, इसको मैं रन कर लूँगा। ठीक है, ये देख ले, ये हमारे पास अब डेटा बन गया है फादर नेम। इसके मैं यहाँ से बॉर्डर भी कर लूँगा, तो ये हमारे आप लोगों को कुछ ठीक से दिखेगा। यहाँ टेबल का मैं यहाँ से भी दे दूंगा, उधर से भी दे सकते, लेकिन खैर मैं यहाँ पर दे दूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सॉरी, बॉर्डर, बॉर्डर में दे दूंगा 2 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारे से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं कह दूंगा कि इसके बाद मैंने उसको देख लिया, हमारे पास ये हो गया है। इसके बाद हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि हम CSS मतलब इसमें CSS के थ्रू चेंजेस कैसे करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके वही तरीका है, हम मैं एक CSS फाइल बना दूंगा, स्टाइल .css। ठीक है, ये हमारे पास खुल गया है, ये हमारे पास खुल गया है। ठीक है, इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लूँगा। इसके बाद इसमें मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैं बॉडी को कर दूँगा, बॉडी को मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज में आप कलर तो मैंने दिया था ना, मैं इस बार इमेज दे दूंगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज में मैं कह दूंगा URL, URL में मैं एंटर कर लूंगा कि हमारे पास जो है ना इसमें हम पिक्चर जो हमारे पास लेट सपोज मेरे पास इसमें एक पिक्चर मैंने रखा है 3.jpg मैंने दिया है, इसको मैं कर लूँगा, सॉरी इसको मैं कर लूँगा 3.jpg 3।
या 3.jpg, ठीक है, ये हमारे पास 3 है, मैं इसको सेव कर लूँगा कंट्रोल एस। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर अगर भूलने जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिंक करूँगा, लिंक में मैंने कह दिया कि स्टाइल डॉट css, कंट्रोल सेव और कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ब्राउज़र पे रन कर लूँगा, देखिए इसमें वो इमेज इंसर्ट हो गया है, ये मैंने जस्ट इमेज इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, चलो अब टेबल की तरफ चलते हैं। तो मैं जस्ट आप लोगों को पुराना काम था, लेकिन फिर भी ना अब मैं देखते हैं। अब इसमें मैं कह दूंगा कि टेबल, ठीक है, टेबल हमने कह दिया है। टेबल में मैं क्या कर दूँगा, केवल मैं, ठीक है, मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्जिन ये आप सब लोग, ये सब तो आप लोगों को पता है, मैंने मतलब आप लोगों को पहले भी मैंने 100 पिक्सल ये भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं कह दूंगा कि मार्जिन टॉप में दे दूंगा, क्योंकि ये साइड पे भी हो, टॉप पर भी बहुत है ना, तो इसलिए इसको भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसका वेट दे दूंगा, वेट में मैंने दे दिया है कि 70% इसका वेट, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें आता है वो है इम्पोर्टेंट, वो है बैकग्राउंड कलर। इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर दूंगा कि ग्रीन मैंने कर लिया, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ऐसे कर लिया, इसको मैं कंट्रोल सेव कर लूँगा, यहाँ से मैं कंट्रोल सेव कर लूँगा। अब यहाँ पर आके ये पुराना है और मैंने F5 के साथ ये फ्रेश कर लिया, देख लिया इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है, इसका साइज भी बढ़ गया है, सब कुछ हो गया है। इसके लिए मैं सिंपल चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि CSS कलर कोड जैसे आप सर्च कर लें, ये आपको सब कलर दे देंगे, देखो रेड पर्पल सब चीज़ का। तो यहाँ से आप सिंपली ये कॉपी करके, कंट्रोल सी कॉपी मैंने कर लिया, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर लूँगा CSS में, देख ले, लेट सपोज मैं इधर ये पेस्ट कर लूँगा, कंट्रोल सेव, देख ले अब यहाँ पर आके, सॉरी यहाँ पर आके इसका कलर ऐसे हो गया। ये ऐसे तरीके से होता है, ठीक है, मतलब कलर आप जो भी पिक करना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपकी वेबसाइट के मुताबिक हो, जो आपके काम के मुताबिक हो, जो आपको ठीक लगे। लेकिन इसके बाद हम इसमें करेंगे, इसका ये सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है, इसका टेबल हेडिंग है। अब इस हेडिंग को तो हमने थोड़ा चेंज रखना चाहिए, क्योंकि ये हेडिंग है, चेंज है, लेकिन इस टेबल से हमने इसको थोड़ा चेंज करना है। उस चेंज करने के लिए हम इसको यहाँ पर आकर डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारे पास है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग को मैंने कर लिया है बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर लूँगा, यहाँ से देख लूँगा, चलो क्योंकि यहाँ से कोई अच्छा सा कलर होगा, तो HTML CSS कलर इसमें देख लेंगे अच्छा सा कलर। सो ये देख लीजिए, ये भी कलर मतलब ये है, लेकिन चलो मैं दूसरे वेब पर देखना हूँ, ठीक है, दूसरे वेब पर देखने के लिए मैं इधर ये मैंने खोल लिया है। इसको खोलने के बाद हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको देख लो, हज़ारों के मतलब कलर है। इसको मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि ये एक वाला कलर हो, ठीक है, ये इक्वा वाला कलर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी कॉपी मैंने कर लिया है, यहाँ पर आके मैं इसको ये पेस्ट कर लूँगा, ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। अब आके आप मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, F5 कर लें, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा टेबल है हमारा, इसको मैं ये देख लें, इसका कलर हमारे पास ऐसे हो गया है, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ऐसे हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हाइट भी चेंज हो जाए। हाइट इसका हम कर देंगे लेट्स सपोज 35 पिक्सल मैंने कर लिया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ना, जो राइटिंग हमने जो वर्ड्स डिक्लेयर किए ना, इसका कलर भी चेंज हो जाए, ये मोबाइल नंबर जो मैंने लिखा है, इसके चेंज करने के लिए हम इसको कह देंगे, कलर हमने कर दिया इसका, हम कलर वाइट कर देंगे थोड़ा, शायद देखते हैं ना कौन सा बेस्ट लगेगा। सेव मैंने कर लिया, इसको मैं हम सेव कर लिया, इसको मैं यहाँ पर आके ब्राउज़र पर रिलोड कर दूँगा। ये देख लें, इसका कलर हमारे पास वाइट हो गया है, ठीक है, वाइट है, वाइट की जगह हर हम इसको चेंज करें ग्रीन कर ले तो थोड़ा शायद ज़्यादा क्लियर होगा, देख लेना जो चीज लगे हमें। हाँ अब ये देख ले, ये हमारे पास थोड़ा क्लियर हो गए। इसके बाद हम हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसका फॉन्ट साइज़, अगर फॉन्ट साइज़ भी हम ज़्यादा करना चाहे या कम करना चाहे तो कोई मसला नहीं होता। फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 25 पिक्सल सपोज, सेफ मैंने सेव कर लिया, इसको भी आके यहाँ पर अपना टिकल देख ले, इसका साइज देख ले, ये बड़ा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, खैर हम इसको मैं 20 पिक्सल करूँगा, ये बहुत तरह लगता है, 15 पिक्सल बल्कि कर लूँगा तो।
मैंने 15 पैसे चलो कर लिया, ये बेहतर लगे शायद। अब ये देख ले, ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इसका हम फोन फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, हम जो भी चाहे हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें जो है ना, हमने टेबल हेडिंग में जो काम करना था वो हमने इसका मतलब फोन फैमिली हम चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें डेटा टेबल हेडिंग हो गया, टेबल हेडिंग के बाद हमारे पास टेबल रो होती है, ठीक है। टेबल रो में हमारे पास जो है ना, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम करें कलर, इसमें कलर हमारा जो राइटिंग का जो कलर है ना वो ब्लैक कर लेंगे, वो तो ऑलरेडी ब्लैक ही है, लेकिन खैर हम जो भी कलर करना चाहते हैं इसको वाइट भी कर सकते हैं, वाइट कर ले, चलो वाइट कर लिया मैंने, देख लिया इसका कलर, ये देख ले, ये हमारे पास अब वाइट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे, टेक्स्ट लाइन को हम सेंटर पर कर देंगे तो बेस्ट लुक देगा थोड़ा, ठीक है। इसको मैंने सेंटर पर कर लिया है, ठीक है, सेव कर ले। सेव करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये हमने सेंटर पर हो गया है। इसके बाद अगर हम इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं, इसका साइज फॉन्ट साइज हमारे पास हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर ऊपर हेडबल हेडिंग के साइज 15 के, इसका हम 12 कर देंगे, 12 पिक्सल मैंने कर लिया, ठीक है। थोड़ा फ़र्क तो डिफरेंस होगा ना, कि हम तो छोटा हो गया अलबत्ता यार, इसको चलो इसको भी 15 कर लेंगे, ये देख 15 की जगह अगर हम जितना भी चाहे 19 कर ले, ये देख ले, ये इसका फॉन्ट साइज हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका हम 20 कर देंगे, 22 कर देंगे, इसका 19 कंट्रोल सेफ, इसको आके यहाँ पर 5 कर ले, ये देख ली, ये हमारे पास इतना तक हमने कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में एक चीज़ नोट की, हावर इफेक्ट से बोलते हैं, वो कैसे होता है, लेट सपोज मैंने एक कर्सर इस पर कर रख दिया तो ये हमारे पास कलर चेंज हो जाए या इसका साइज बढ़ जाए या हमें मतलब हावर सा देख करे, ये मतलब आप देखो ने इस यहाँ पर माउस रखा हुआ है, हावर इफेक्ट से बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वेबसाइट में ये होती है इफेक्ट, हर जगह पर ये देख ले, ये हम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं हावर इफेक्ट्स, हर जगह पर ये यूज़ होते हैं हावर इफेक्ट, आके इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम चाहते कि हावर कर टेबल रो, हम चाहते कि हम जिस टेबल पर हम कर्सर रख दिए वो हमारे पास हावर हो जाए, ठीक है। इसको मैंने हावर कर दिया, इसके बाद हावर खावर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास एक कलर अच्छा सा कलर, लाइट सा कलर चूज कर देंगे इसके लिए तो अच्छा होगा। इसके लिए हमारे पास एक कलर 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 कौन सा कलर टट्टियो है, चलो ग्रे, इसके लिए हम ग्रे कर लेंगे, ठीक है। ये खोल के हम देख लेंगे इसका कलर, ये ग्रे में से हमने इस तरह करना है, चलो इस तरह करना है, ठीक है। मैंने ये चूज़ कर लिया कंट्रोल सी कॉपी, इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर हमारे पास हो जाएगा ये, सेव कर लिया मैंने। अब आप इसको देख ले, अब आप इसको देख ले, यहाँ पर आके मैं यहाँ पर आके मैं इसको F5 करता हूँ, ठीक है। अब आप देख ले, ये सेव कर ले, सेव कर ले, इसको भी मैंने सेव कर लिया है, इसको भी मैंने सेव कर लिया है। अब यहाँ पर आके मैं इसको ब्राउज़र पर खोलता हूँ, अब आके आप देख ले, देख ले, देख ले, इसका हम जैसे माउस हवर कर दिया है इसका चेंज हो गया है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ इसका साइज़ भी हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है, हमने जो लिखा है कि इसका कलर हमारे पास ग्रीन हो जाए, चलो ग्रीन हो जाएगा ये, और इसका फॉन्ट साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर ले, फॉन्ट साइज़ हम 20 पिक्सल कर देंगे, 2019 तो ऑलरेडी है, चलो 22 कर लेंगे, 2 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा चेंज लगे। 12 सेव, मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर आके मैं इसको 5 कर लूँगा, ठीक है। देख ले, अब इसका कलर भी हमारे पास चेंज होता है, देख ले, जिस तरह मैं माउस हावर करता हूँ ये हमारे पास चेंज हो रहा है, ये हमारे पास हावर इफेक्ट में आता है। इसके बाद हम चाहते कि हम एक लेट सपोज़ ये एक टेबल है, ठीक है, इसका ये जो ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला जो डेटा एंटर हुआ है ये हम हाईलाइट करना चाहते हैं, ये कि ये हाईलाइट रहे हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आके यहाँ पर फॉर एग्जांपल लास्ट वाला हम चाहते हैं तो लास्ट वाले के रो में मैं आके इसको एक आईडी सेंड कर दूंगा, आईडी को मैंने कर दिया है हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, हाईलाइट मैंने कह दिया है। इसको मैं कॉपी कर दूंगा, कॉपी करने के बाद आप लोगों को लेक्चर में ला
याद होगा इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, हैश मैंने यूज़ कर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया, यहाँ गूगल से आके पिक कर लेंगे इसका अच्छा सा कलर हो, जो मतलब अट्रैक्टिव सा हो। तो यहाँ पर आके हम इसमें से कलर चूज़ कर देंगे, इस कलर के ट्रांजिशन में नहीं, इस कलर के ट्रांजिशन में, चलो ये कलर हमारे पास अच्छा रहेगा, कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसका कलर ये कर लूँगा, ठीक है, कंट्रोल भी कर लिया मैंने, सेफ, कंट्रोल सेफ कर दिया, ठीक है। इसको अब आके हम ब्राउज़र पर देखते हैं, इसको मैंने यहाँ से ये जो हमारा टेबल है इसको हम रिलोड करते हैं, ठीक है। रिलोड करने के लिए हम इसके ये रिलोड कर दिया, देख ले हमारे पास, हमने क्या कहा था, हमने की थी इसमें से के, तो इसमें से हमने ये सेव कर लिया, इधर पर ये आईडी हमने दी थी ये भी हमने सेव कर ली। इसको हम ब्राउज़र पर ऐप देख ले, ये हमारे पास हावर हुआ है ऑलरेडी। इस हावर में हम चाहते कि हम इसका बैकग्राउंड कलर, तो हम बैकग्राउंड कलर तो हमने चेंज कर लिया, इसका राइटिंग जो है हम इसको, लेट्स सपोज इसका राइटिंग कलर जो है ना हम इसको ब्लैक करना चाहते हैं, कलर इसका हम ब्लैक कर देंगे, ब्लैक हो या जो मर्जी आपको, जो कलर आपने पिक करना है, देख ली ये हमारे पास इसमें इफेक्ट हो गए। तो आपने टेबल में इतना काम कर लिया है, बाकी आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो इसमें, आप मेरा ये कॉन्टैक्ट है, ये इसमें मेरा ईमेल है, आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।